जिसका सबसे नियरेस्ट होगा वो पे नहीं करेगा, वो पे नहीं करेगा। हमारे कहाँ चलें, क्या कह रहे हो, चलो चलो बताओ कहाँ चलें। साबा पे पिज्जा खा। भाभी क्या बोल रहे हो? वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सुबह हो गई है, सुबह का टाइम हो रहा है 6:30 का और हमारी हो रही है तैयारी जाने की मनाली। अभी मैंने वैसे पता करा कि शिशु खुला है नहीं खुला, हमें अटल टनल क्रॉस करने देंगे या नहीं। अभी तो वो लोग मना कर रहे हैं, बट चांसेस है कि मनाली में भी स्नो हो सकती है। और यहाँ का तो हमारा डन हो ही गया था, तो अब यही प्लान है कि हम मनाली चलते हैं, वहीं पे इंजॉय करेंगे। और खाने पीने का तो मज़ा आ ही जाता है मनाली जाके, जब एक दिन है तो यूटिलाइज अच्छे से कर लेना चाहिए। लास्ट व्यू दें यहाँ का, तो प्रॉपर्टी तो हमारी थी अच्छी, पूरी रात ऐसी आवाज़ें आती रही, बढ़िया सी लग रहा था कहीं अच्छी प्रॉपर्टी में रह रही हैं। और जब विंडो से हटाओ तो वो देखो क्लाउड्स आपको दिख ही रहे होंगे, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। आप क्या कहेंगे, इंजॉय करा आपने कल? ये अभी सो के उठी है ना, तो इनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। मैंने ही तुम सबको जगाया है। नहीं, जगाने वाली ये थी, पर ये अभी थोड़ा सा नींद में है। मेरे को बोलना ज़रूरी है तो मैं तो बोलूँगा ही, मैं नहीं रुक सकता। और क्लाउड जैसे कह रहे हैं कि तुम रुक जाओ एक दिन और, वैसे देखो कितने नीचे तक आए हुए, बिल्कुल ऐसे लग रहा है यहीं पे हैं। पूरा वाइट हो रखा था क्योंकि ये पहले उठ गए थे, इन्होंने देख लिया था। टाइम हो रहा है सुबह 6:30-7 बजे का, प्लान है हम 11 बजे तक मनाली पहुँच जाएंगे यहाँ से। और प्रॉपर्टी के पीछे से ही ये देखो कैसा था, और जो हमारा फॉल था वो इसी साइड पर, कहीं पीछे की साइड पर था। प्रॉपर्टी सारी यहाँ पर ऐसी सी ही हैं, सिटिंग अच्छा था, हम बाहर बैठे नहीं। और ये यहाँ हमारा ऊपर वाला रूम था, नीचे एक था और ऊपर दूसरा था, तो बहुत बढ़िया इंजॉय करा। चलते हैं फिर, मिलते हैं मनाली के रूट पे। अभी वैसे बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे ये है, नीचे भी बहुत सारी थी, जैसे वो भी हो रही है, नीचे भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी। बट हाँ, वाटरफॉल देख के लगा कि चलो वर्थ इट हो गया आना। और एक एक करके सारे आ गए हैं नीचे, गाड़ी खुली हुई है, सूटकेस वगैरह लेके आ रही हैं, गाड़ी में डालते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। सुबह की चाय वगैरह पीनी थी, एक बढ़िया सी चाय मिल जाती है यहाँ पे तो बात ही अलग होती है। हमने किचन में भी बोला तो कहता अभी शेफ़ नहीं आया हुआ, चाय का नहीं हो सकता क्योंकि आप लोग जल्दी निकल रहे हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, निकलते हैं यहाँ से, जितनी जल्दी निकलेंगे आगे भी उतनी जल्दी पहुँचेंगे टाइम से जाके। तो फिर वहीं पर हम चाय वगैरह पियेंगे। और वो देखो ऊपर से खड़े होके हाय हेलो बाय बाय कर रही है, आपको दिखे तो एक सेकेंड, ये देखो, ये वो देखो, हाँ सेकेंड फ्लोर पे। सो इससे ज़्यादा बढ़िया वैसे तो पीछे के क्लाउड्स लग रहे होंगे जो देखने में एक्चुअली बहुत अच्छे हैं। यही है हमारा, मुझे बाद में थैंक यू बोल देना। ऑल्टो देखो कहाँ खड़ी है, ऑल्टो देखो, वो जैसे दिखा मेरे को बेचारी चली गई नीचे। मैम चाय मिल रही है टाइम से, लेट तो नहीं करा, आपके लिए उड़ के आए हम। बहुत ज्यादा ही उड़ गया, ऐसे फ्लाई गियर लगाया था हमने। गरम-गरम चाय, पराठे, ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड बटर किसका था? ब्रेड ऑमलेट बोला बोट, अच्छा बोट। और पीछे प्यारा सा व्यू, वैसे नीचे जा सकते हैं या नहीं? इस साइड अच्छा नहीं है, उस साइड से अच्छा है। और ऊपर देखो क्लाउड्स, अभी ऊपर ही जाना, हमने इधर ही जाना है, आएंगे ये। ये हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करा, ब्रेकफास्ट कैसा था? बहुत अच्छा था, मजा आ गया, टेस्ट अच्छा था हर चीज का, पेट भर गया। मतलब हमने दो तीन दिन से, दो दिन तो हो ही गए, कल भी निकले और आज का दिन हो गया, दो दिन में जो भी खाया हमने उस हिसाब से टेस्ट बड को पसंद आता है ना, टेस्ट वो वाला था, ये टेस्ट वो वाला टेस्ट। और ये था कहाँ पे, एक टनल आती है वो वाला टेस्ट, अब यहाँ से टनल आती है, टनल से निकलता ही था, गेटवे करके है ये, गेटवे होम स्टे एंड कैफे। स्टे भी अच्छा होगा वैसे, सही बताऊं मनाली का। चलो फिर मनाली का खाने चलते हैं, कोई बात नहीं, भाभी जी फूड टूर कराएंगे तुम्हें। आओ भाभी जी फूड टूर कराएंगे, ये वाली बात नहीं है, भाभी जी के सर्वे से सिर्फ दिल्ली तक लिमिटेड है। देख रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो तुम, सिद्धू भाई की बातें सुन लो, सेवा पूरी यहाँ भी मिलेगी, सेवा पूरी यहाँ भी मिलेगी। फिर वो सेवा का मजा तो होता है जब भाभी अपने हाथ से खिलाती है, मतलब बनाती है, उस वाले में टेस्ट अलग होता है। जो बिरयानी का टेस्ट आता है घर बनी का, वो बाहर वाली का थोड़ी आता है, चाहे भाभी का इससे खा लो, उसमें स्वाद थोड़ी आता है। तो बिरयानी नहीं खाता था, मेरे को कल सुन के ही ऐसा चंबा हो गया, मैंने कहा मैं तो बिरयानी नहीं खाता था जब से भाभी के हाथ से खाना, मतलब तब से उन्होंने बनाना शुरू करा तब से मैंने बिरयानी खाना शुरू करा। देख रहे हो, जिस जिसने मिस कर रखी आदत उन भी खा लो फिर।
आगे मनाली की पतली पतली गलियों में। पहली बार आए हैं जैसे वैसे इस साइड तो हम, और बारिश अभी तो बंद है। सोलंग वैली बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रखी है, अब देखते हैं हम लोगों को जाने देंगे या नहीं। जाने देते हैं तो फिर अटल चलते हैं, और लाहौल स्पीति वाली साइड भी थोड़ा सा जाएंगे आगे तक जहाँ तक जा पाएंगे। देख के आते हैं फिर कितनी बढ़िया स्नो है, और आप लोगों को भी दिखाई देते हैं। एक्साइटेड हैं फिर सारे हमारे साथ वाले भी। ये नींदों में है, थोड़ी सी इनकी नींदें नहीं खुल रही हैं, पता नहीं कब खुलेंगी। सिद्धू भैया जी भाई नींदें खुली पड़ी हैं, इंतजार कर रहे हैं बस हम। फटाफट कब तेरे को ऐसे बर्फ के गोले मारे हैं, मेरे को गोले मार रहे हैं। ओ माय गॉड, ये रिस्टोर कर रहे हैं एनर्जी, बचा रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं। आंखें बंद कर लेते हैं, हम सो नहीं रहे, हम बस वो पीछे गर्दन रखी हुई है ऐसा। ये बैठी बोलने वाली धर्मपत्नी ने बोला, हमारी धर्मपत्नी। आपकी भी कुछ लगती होंगी, ऐसा नहीं है, हमारी तो सब कुछ लगती है, आपकी धर्मपत्नी। ओ चलो भाई, सो आप देख रहे हो मनाली पहुंचे हैं, कौन मिल गया हमारे को, ये लेह लद्दाख वाले भैया जी हैं। जो व्लॉग्स देखते हैं उनके हिसाब से लेह लद्दाख वाले ही हैं। ठीक है, और ये भैया जी को जानते हो? हेलो बोल, हेलो कर दे, हेलो कर दे, कर हेलो, चल हेलो बोल दे भैया। फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर में मिल रहा है। अरे ये तो चोर आगे कह रहे हैं कुशल ले चले इनके, उतारो उतारो। वाराणसी, जयपुर और मुंबई, तुम्हारे पीछे भी है, कौन सा है वो प्लेन वाला? घर पे जो भी आएगा ना गेट से लेके एंट्रेंस। रोड कैसी थी, गाड़ी लेके कैसे आए यहाँ तक? झाक आ रही है गली गुरुद्वारे के वहां तो। पहले जब तो भैया ने कराया हुआ था ना, वो मैंने उनको देख के करवाया, मुझे तो पता ही नहीं ये चीज। हाँ, कि ऐसी गली है। मैं गुरुद्वारे के वहां से देखा, मैंने कहा गली गाड़ी जाएगी नहीं जाएगी क्या सीन है? मैंने कहा तेरी गई है तो फिर जाने दे। ऑटो आ गया था, फिर करी ऑटो वाले ने पूछे मैं कहां जाता हूं। हिल्स वाली जिंदगी, भैया कुशन बचा लेना, ये चार पांच जो पड़े हैं ये। नहीं है, तो बारिश हो रही थी, मौसम ठीक था जब तो हम फॉल फूल पे गए, फॉल पे सही था, बारिश तो रुकी नहीं। गली इतनी पतली थी पूछो मत, गाड़ी अंदर तक आई कैसे यहाँ से, बट फिर भी आ गई। जब मैंने सोचा इतना बड़ा स्कॉर्पियो ले आया है ये, तो फिर अपनी गाड़ी तो चली जाएगी, क्रेटा जाने में तो क्या ही दिक्कत है। वैष्णो देवी गए तो ये भी आपको दिख सकता है भैया अपने साथ, और सामान अंदर लेके चलते हैं। प्रॉपर्टी वैसे जैसे अच्छी है, पैरामाउंट से तो अच्छी प्रॉपर्टी है, साफ सुथरी बनी हुई है। कहाँ? ओ माय गॉड, आ गए। हेलो जी, नीचे आ रहे हो? ऊपर आए, सामान निकलवा दूँ बस एक बार, नीचे ही है रूम आगे। हाँ नहीं नहीं, मैंने सामान रखवा दूँ आगे, एक मिनट में आ गए। आपने देख रखा होगा इनको भी, ये देखो ऊपर से हेलो कर रही हैं, आ गए बस दो मिनट में। हाँ राम राम जी, देख लो आ गए हम। हेलो, आ गया चाचू। अकेले अकेले? हाँ भाई, अकेले अकेले घूमने आए थे ना तुम। कराते हैं आपको थोड़ा सा रूम टूर, रूम के अंदर एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले वॉशरूम आया था, वॉशरूम ओके है, रहने लायक है जितने का है उस हिसाब से, और बेड और उस हिसाब से अच्छा ही है, प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया मिल गया। और पैरामाउंट हम लोग रहते थे मॉल रोड के पास के चक्कर में, पास में ये भी है बट उससे अच्छा है ये है। ओके जी, मैं हो गया हूँ रेडी, चेंज वेंज करके बढ़िया से रेडी होने के बाद अब है तैयारी हमारी सोलंग वैली जाने की, और जाके देखते हैं हमें स्नो कितनी मिलने वाली है, और अटल खुला मिल जाए फिर तो मज़ा ही अलग है, और इन लोगों को आपके घुमा देंगे। मैं गया हूँ इन लोगों के लिए भी, और हर बार जब मनाली आके अटल क्रॉस करो तो अच्छा व्यू आता है और अच्छा सा लगता है। हवा हवा तो नहीं कहूँगा, व्यू अच्छा आता तो बहुत अच्छा लगता ही है। देखते हैं दूसरे रूम में क्या तैयारी है इन लोगों की, वो भी देखते हैं कितनी देर लगाने। अभी जी भी हमारी हो गई है रेडी, सिद्धू भैया एक लेट करने वाले हैं, ये देख लो सिद्धू भैया। आज आपके में रूम अलग था, ऐसा नहीं था, हम भी सबको प्रायोरिटी देते हैं। ओह माय गॉड, ओह यस,
अम्ब्रेला किसी और के पास होनी चाहिए थी, ले मैंने ली है, मतलब ऐसे होटल वालों की थी। अमन ने सिखा दिया अम्ब्रेला के बिना नहीं निकलना, तो मैंने भैया को कहा भैया हमें भी अम्ब्रेला दो, हम लेके जाएंगे। जस्सू जी को देखो रीले बनाने में लगी हुई है। अभी हम जा रहे हैं मॉल रोड पे खाने। कहाँ चलें, क्या कह रहे हो? चलो चलो बताओ कहाँ चलें। सावा पे पिज्जा खाने। सावा पे पिज्जा खाने, ये तो ऐसी होगी जैसे तुम अपनी बिरयानी खिला रहे हो जो बनाते हो। नहीं, अच्छी अच्छी चीजें खिलाएंगे। अच्छी अच्छी चीजें खिलाएंगे। ऐसे इन्होंने ये एंट्री गेट अच्छा बनाया हुआ, स्मार्ट सा लग रहा है। फोटो अच्छी आएगी ना मेरी यहां पे। यस, ऊपर जैसे अभी बारिश होने की तैयारी लग रही है, तो ऊपर इसका मतलब स्नो हो सकती है। और हम ऐसे अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं, हम ऐसा ना हो कि नमूने तीन ही दिख रहे हो। मैं उठा लेती हूँ। भाभी क्या बोल रहे हो? ये तो रील वाले रुकते ही नहीं है भैया जी। हम लोग मॉल रोड पे भी आ गए, दो दो तीन तीन चार मिनट ही लगे भाई, पांच भी पूरे नहीं लगे। 5 मिनट तो दुकान तक जाना है वैसे। हाँ, 5 मिनट तो दो या 3 मिनट का ही है। अच्छा रहा वैसे, फिर सही जगह हमने तरीके से ले लिया इसका मतलब। और यहाँ से राइट लेंगे तो मॉल रोड, सावा पिज़्ज़ा अच्छा वहाँ पे है सामने। और मॉल रोड तो आपको पता ही है, फिर कहाँ जाना है वो इधर को जाना है और मॉल रोड आ जाएगी। ये पूरी मॉल रोड है। शाम को लाइटनिंग के साथ आएंगे, जब लाइटनिंग होगी तो आपको पता ही है यहाँ मज़ा ही अलग होगा। और ये लोग आ रहे हैं यहाँ से। हाँ जी, कैसा रहा फिर? सही रहा ना, 2 मिनट में आ गए ना। और सामने रहा पिज़्ज़ा वाला जो भाभी जी हमारी बता रही थी, कौन सा सांबा पिज़्ज़ा? साबा, साबा। ओके, चलो बाबा जी के पास चलते हैं। सांबा पिज़्ज़ा पे समय बांध दिया था इन्होंने, समय बांध दिया था। तो कहते हैं इस बार बंदे कम थे समय बांधने वाले, तो साथ मिलके बांधते। अरे स्नोफॉल हो रही थी तो बगल वाले चाय वाले भैया ने चलाए गाने। हाँ। तो बस क्या, हमारे पैर उड़ गए, हम नाचने लग गए, हमको हाँ। देख के क्यूरियस यहाँ पे पूरा भर गया। हाँ। तो जो साबा वाले अंकल जी हैं, हाँ। कहने के बेटा हमारी तो उम्र निकल गई वैसे यहाँ बैठे बैठे, हमने किसी क्यूरियस को देखा नहीं ऐसे मजे करते हुए। तो फिर अंकल जी को याद करा दो कि हम वही वाले आए हैं। हो सकते हैं, हो सकते हैं उनको याद आ जाए। वीडियो दिखा देंगे, ये बात है। फिर डिस्काउंट भी ले लेंगे, हम तो डिस्काउंट के पीछे है ना, हम तो तभी कर रहे हैं इतना। अच्छा, ये लोकल मार्केट लगी हुई है यहाँ। ओके, चाय सुट्टा बार भी है, लोग ले रहे हैं यार, ऐसा नहीं है यहाँ लगे रहते हैं। ठीक है, ये था साबा पिज़्ज़ा। चलते हैं अंदर, अमन जी ने हमारे लिए गेट खोल दिया है। अंदर चलते हैं और बैठते हैं और खाते हैं पिज़्ज़ा। हम लोग पिज़्ज़ा ही खाने वाले हैं, कुछ और भी है सीन? पिज़्ज़ा। चलो फिर। हाँ जी मैडम ब्लॉगर, क्या खाना पसंद करेंगे? और कुछ नहीं, पहले पिज्जा लेते हैं। ये रखना है, ये इस पे आ जाओ ना, इस पे आ जाओ, बड़े वाला है ये। नहीं, मैं चेयर पर कर लूंगा। तो कॉफी वगैरह पीना पसंद करेंगे हम? कोल्ड नहीं, पर मैं अकेला पीना पसंद करूंगा। चाय तो शाम की बनती है। वो देखो मेरे साथ साथ आया, कह रहा मैं भी पीऊंगा। क्यों क्यों? मैंने शेयरिंग नहीं सीखी। धमकार ही है यार, देख लो यार, धमकार ही है यार। ये लिक्विड की बात करो तो सारी चीज़ों में टेस्ट अच्छा ही लगा। कोल्ड कॉफ़ी अभी ट्राई नहीं करी, हॉट चॉकलेट बहुत बढ़िया थी, और लाइम सोडा मंगाए ये भी बहुत बढ़िया था टेस्ट में। पिज़्ज़ा आता है तो फिर देखते हैं कितना मज़ा आता है। और यहाँ चल रही है व्लॉग की एडिटिंग। मैंने सिद्धू भैया को कहा, मैंने कहा आप ट्राई करो, लैपटॉप आज मैं लेके नहीं आया, तो हम फ़ोन में कर रहे हैं एडिट। सो गाने या तो कॉपीराइट का सीन देखते हुए चलना है, तो बड़ी मेहनत बढ़ जाती है। दूर मैं तो व्लॉग एडिट करते रह गए, और ये देखो ये आधे आधे पैसे हो चुके हैं यार। हम लोगों को भी दे दो यार, ऐसे मत करो। मेरे पास तो देखो, देखो हमारे पास ऐसे आ रहा है ये, देखो ऐसे मत करो यार। इसमें डालो, ये ले भाई, देख मैं ध्यान रख रहा हूं तेरा। ये बात मैंने एक बाइट ली, टेस्ट अच्छा था। कैसा लगा सर? मेरा तो फेवरेट है भाई। हम टेस्ट अच्छा है। भाभी ऐसे कह रही है, भाभी पास हुई नहीं हुई, रिकमेंड करने में पास हो गई। हाँ, रिकमेंड करने में ही। देखो रिकमेंडेशंस बहुत मैटर करती है। बहुत मैटर करती है, बात सही है। और टेस्ट अच्छा है। हमने एक मंगाया चिकन, कौन सा चिकन मंगाया था वैसे हमने? चिकन टिक्का और एक फार्म मार्केट। तो फार्म हाउस, फार्म मार्केट कह रहा हूँ, फार्म हाउस। टेस्ट दोनों का ही अच्छा है।
और सिद्धू भी हमारे खाते बहुत अच्छे तरीके से, ऊपर केचप डाल के पूरे मजा आएगा। जिनको अच्छी लगती है वो फिर कमेंट करके बता दो कि हम भी हैं उसी लाइन में। ये देखो व्लॉगर्स की जिंदगी। हमने गेम खेली एक बहुत बढ़िया, क्या थी गेम? ये मेरी की बिल आया था तो अमन ने कहा कि एक एक अमाउंट गेस करो कि हमारा बिल कितने का होगा, जिसका सबसे नियरेस्ट होगा वो पे नहीं करेगा, पे नहीं करेगा। हमारे स्प्लिट नहीं होगा मतलब। तो फिर हमने सब कर लिया। जीता जो व्लॉग के उस पार है, जो इस पार है। जीता कैसे? ये भैया से मैंने पूछ लिया था कितना दूर से। तो मेरे साथ गेम खेलना इतना इजी नहीं होता, चीटिंग कहीं भी हो सकती है। होटल से निकल रहे हैं, पिज्जा खा के आया हमें बहुत मजा। होटल से निकल रहे हैं, बस थोड़ा वे हमारे होटल का गलत है। आप लोगों को दिखाऊं कि कैसी गलियां कैसी थी, सामने दिख रहा कि मोड़ू कहां से और जाऊं कहां पे। यहां से लेफ्ट लेके सीधा हम मॉल रोड वाली जगह पे चले जाएंगे। मेरे को लग रहा है एक बार और बैक कर लेनी चाहिए। आ रही है, मेरे को गाड़ी बैक करनी पड़ी। हम निकले थे इस पतली सी गली से और जा रहे हैं आगे भी पतली सी गली में। रूम अच्छा है तो बंदा दोबारा आ सकता है, पर गली देख के ना ऐसा लगता है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा ही कंजस्टेड है। 700 लेके आए होते तो मेरे को डर ही लग रहा होता है यहाँ अंदर डाल के। 700 नहीं आ सकती थी किसी भी हाल में अंदर। नहीं आ तो जाती है अगर स्कॉर्पियो और इनोवा भी आ रखी है। मतलब अपनी हिम्मत नहीं बनती ना कि अटल का प्रोग्राम था। अटल तो आगे जाने नहीं दे रहे पुलिस वाले। यहाँ से ये वाटर, छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है, जैस्मिन यही करने में डर रही है। वाटर क्रॉसिंग करके चलते हैं ऊपर थोड़ी सी, जहाँ स्नो है वहाँ होके आते हैं, देख के आते हैं। ये देखो इसको देखो, हाल देखो इसके। डूब जा पानी में साथ ही। आ जा आ जा, ये देखो कितनी सी जगह, ये देखो मेरे पैर छुपे, टांगे छोटी है ना। तुम्हारे साथ हॉबिट चल रहा है। ये बेचारे देखो शूज वूज लेके जा रहे हैं। ओ माय गॉड, हम स्नो पे जाएंगे। चलो देखते हैं, मैं समझदार बनता हूँ या ये। वैसे ये मेरे को फंसाएंगे, ऐसा नहीं है। हम समझदार बन के रहेंगे। हैं? नहीं यार, हमारे वाले गीले हो जाते ना। 100-100 रुपए के जूते फिर भी सस्ते हैं। हमने क्या प्लास्टिक के बना पहन रखे हैं? तुम्हारे गीले होंगे, हमारे नहीं होंगे। अब तुमने बोला तुम्हारे गीले नहीं होंगे, हमारे। अरे कुछ नहीं होगा, इतनी स्नो ही नहीं है कुछ, ये खाली पड़ा है। ये हमारा एक्सपीरियंस है पहाड़ों का यार। हमारे कपड़े क्या है ना, गीले हो जाएंगे। हाँ चलो फिर, चलो चलो फिर, चलो चलते हैं थोड़ी सी स्नो देखने, फन करते हैं और चलते हैं फिर वापसी। अमन गाड़ी में ही बैठा है, उसको नींद आ रही थी, कह रहा मैं भैया सो रहा हूँ थोड़ी देर। मैंने कहा चल कर ले आराम। चल रही है हैवी ट्रैकिंग। वो देखो भाभी तैयार है ऊपर चढ़ने को। चलो चलो चलो। अरे कोई ना, एंट्री नहीं है, मैंने दे दी एंट्री, इसको उतार के नीचे रख देता हूँ। चलो आओ चलो। इतने तो किधर से जा रहे हो? अरे इधर से आ जाओ ना, इधर से चलते हैं ना ऊपर ऐसे करके। चलो है क्या, पहले उधर भी देख लें, है तो उधर भी कुछ नहीं यार, यहाँ पे थोड़ी फोटो आ जाएंगी बस। चलो फिर ऐसे साइड साइड से चलते हैं ऊपर की साइड। जैस्मिन चढ़ जाएगी, टाप जाएगी यहाँ से ऊपर है। बंदे गए तो वहाँ उधर और ऊपर चलो ना, छोटी भी है दीवार। वाटरफॉल क्रॉस नहीं हो रही थी, यहाँ से टाप जाएगी। चलो चलो चलो, चढ़ जाओ भागो। ऊपर से भी ऐसे ही है। ध्यान से जैस्मिन, तू ध्यान से, इसको तो पकड़ना ही पड़ेगा। मेरी जैकेट लंबी है। अच्छा भाभी स्लिप होना एक बार, वहां से नीचे आ जाओगे सीधा वहीं।
भाई भाई को उठाओ भाई को भाई को ओ ओ ओ यस ध्यान से स्लिप मत हो ना दोनों नीचे ही आओगे या किसी ने बनाए हुए आप लोगों को समझ आए तो देख सकते हैं ये नंदी बाबा और ये शिवलिंग बना रखा है यहाँ पे किसी ने पता नहीं बनाना सही है या नहीं गलत है क्या है बट किसी ने यहाँ बनाया हुआ है आई से तो हम लोगों ने छेड़ा भी नहीं टच भी नहीं करा इसी चक्कर में जो है ठीक है और भाभी ज़्यादा फन ले रही हैं हमारी अपनी फ़ोटोज़ हो गई हैं वो आप रील्स और फोटोज़ में जाके देख सकते हो कहाँ पे जसकित व्लॉग का इंस्टाग्राम पेज है इंस्टाग्राम पेज पे आप जाके देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करो जिन्होंने नहीं किया हुआ यार कर दो व्लॉग्स अच्छे बन रहे हैं आप लोगों की वजह से ही थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है वो कैसी होगी वो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके तो कोई बात नहीं व्लॉग को पूरा ध्यान से देखो जाएंगे मनाली माल रोड और मॉल रोड पे हम क्या करने वाले हैं आप भी देखो फिर खाएंगे पिएंगे और मौज करने वाले हैं मनाली का न्यू फ्रेंड थोड़ा यहाँ दोबारा तैयारी हो गई है मैगी चाय और क्या लगवाया जा रहा है भुट्टा कहाँ है जो हमने स्पेशल उसके लिए रोका था वैसे भुट्टा भी खाएंगे चाय के बाद जाते हैं और ये भैया क्यों नहीं आए मीठी चाय पी लोगे कैसी है मैगी ये वाली देखी है ये नहीं चारों मीठी करा दूं आंटी चारों मीठी कर दो चाय ऐसा मजा है ना कहने का इसको कहते हैं पहाड़ों की मैगी चटपटी वाली जसू ये वाली जसू मैगी पहाड़ों वाली ये है असली वाली कर नहीं सकता मैंने कहा खड़े होके हम वीडियो ही बना लेते हैं करना मेरे को थोड़ा ऐसा रिस्की टाइप लगता था मेरे को लगता है डर तो फिर देखते हैं क्या ये कर सकती हैं और कोई सेफ्टी वेस्ट वगैरह कुछ नहीं बनाई है ऐसी उड़ना चालू हुआ है हल्का हल्का नीचे से ऊपर होना चालू हो ही गया है अच्छा एक बंदा भी साथ जा रहा है अच्छा फ्लेम तेज़ कर रहे हैं वैसे उसमें एक यही बंदा खींच रहा और थोड़ी कोई खींच रहा है आ रहा है नीचे भी आ रहा है वैसे स्पीड से चलें भाई हम फिर सीधा वहाँ से उड़ते उड़ते आ गए रूम पे और अब इसके बाद चेंज वेंज करके लड़कियाँ चेंज करेंगी उसके बाद जाएंगे हम मॉल रोड और मॉल रोड जाके खाएंगे पिएंगे और करेंगे आज की गुड नाइट ये जो हम गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है होटल से निकल गए हैं माल रोड की तरफ चलते हैं वो लोग मेरे को छोड़ के चले गए हैं मेरे को गाड़ी सेट करनी थी इस चक्कर में अच्छा यहाँ अमन खड़ा है चलते हैं नीचे और फिर देखते हैं अंकल सब डिस्प्ले में है ना चल रही है इन लोगों की शॉपिंग आपने भी लेने सर किसी के लिए मैग्नेट हम पैसे दे देंगे भाई है मतलब खरीद लो जो खरीदना है नहीं आपने देना नहीं है किसी को कोई लेने वाला नहीं, 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 नहीं। कोई है नहीं हम दोनों एक उस पर चल रहे हैं अभी नहीं अकेले हैं बात अलग होती है अभी तो साथ आए तो हम खाली जेब हिला सकते हैं और कुछ क्या कर सकते हैं जेब से फोन निकाल सकते हैं पैसे देने के लिए ये बात थी देख रहे हो भाई को क्या कर रहे हैं सिद्धू भाई अकेले अकेले एंजॉय कर रहे हो यार ये गलत बात है यार मैं भी साथ आया हूँ लेंस से कर रहा था ऐसे लेंस सही मत करो भाई गलत बात है हम साथ आए हैं कसोल और मनाली तेरे को लेना जरूरी है पहले वाले मैग्नेट्स का है हाँ ले ले और ये ले ले हाँ जी और कोई चाहिए नहीं और क्या कर रहे हैं कसोल हम पहले गए थे इसलिए हम पहले लेते नहीं थे ये भाभी ने आदत डाल दी है और मनाली तो अभी आए हैं तो बनता ही है मनाली वाला यही लेना है और कोई लो देख ले और इतने सारे डिजाइन है कह रही है कौन सा लूं ये देखना आप ही देखो कितने सारे डिजाइन है आपको तो दिख ही रहे किसी के देख लो मैग्नेट्स इन्होंने हमें आदत डाल लिया तो ये खुद भी लेके आई है ये मैकलोडगंज ये थानी और ये धर्मशाला मनाली का था और कसोल आगे से लोग और ये हमारी जस्सू कौर ये देखो ये देखो ये 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 रील की तैयारी चल रही है हो ना टल्ली तो रील जिसने देखनी हो वो जसकित ब्लॉग के इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं वो भी फिर देखते हैं जब इतनी भीड़ है तो मजा तो आएगा ही गाइस क्या लगता है भीड़ रश जैसा है और भाभी लेके आई है फिर तो मान सकते हैं मजा ही आ गया मेरे को तो लग रहा है आया गाइस
या नहीं? सच्ची वाला रिव्यू देना है। अच्छे अच्छे बोल नहीं पा रही है, कह रही है नहीं नहीं आवाज नहीं निकल रही यार, रुक जा पहले खा लें जो उसके बाद रिकॉर्ड करियो। ओए मेरे वाला गिर गया यार अंदर ही, कोई बात नहीं। गरम है हां भी बड़ा है वाला, उसके भी टेस्ट है। एक मिनट वहां कैसे अब क्या है, एक मिनट ऑलरेडी 1 2 3 गो। अच्छी आई है हमारी लिकर चल रही है ये वाली। आ गए हैं हम चिकन और चीज़ें खाने, आए हैं हम चॉपस्टिक पे, देखते हैं फिर टेस्ट कैसा है। चिली चिकन और वो आया रोस्टेड। ये आ गए हैं बर्गर हमारे, बर्गर हमने सोच के मंगाए थे अपने कनाडा वाले, है ना। टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कैसा सा मज़ा है इनमें। और रही बात मेरे को कम हो गया हम लोगों का सोने का, और मैडम आ गई हैं यहाँ पे अपने अपने ठंडा बेडरूम छोड़ के हमारे गर्म वाले में। पता नहीं हमारे यहाँ गर्मी है क्योंकि मेरी बीवी हॉट है इसलिए। ओह ओह मैंने पता कैसे गर्म करा, समझदारी देखो किससे कर रही है, हेयर ड्रायर चलाया। अच्छा ये आइडिया सीखा कहाँ से पहले ये बता बेटा, कश्मीर ने सीखा? कश्मीर से, कश्मीर। सो फिर करते हैं व्लॉग को यहीं पे दी एंड। आज का पूरा दिन हमने करा एंजॉय। अमन कुछ कह रहा था, हाँ जी अमन भाई बताओ, करें फिर दी एंड? नहीं हाँ दी एंड। फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जिन्होंने कमेंट नहीं करा वो कमेंट करके अप्रिशिएट करते रहना। ओके बाय बाय।